हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो में देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन में नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है। आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, तो फंक्शन बनाएंगे हम, वो फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे और फंक्शन थ्रू वैल्यू रिटर्न भी करवाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बना देते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। ओके, डेटा टाइप क्या है उसका, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मैं अभी वॉइड लिख रहा हूँ। फिर सम फंक्शन बना देते हैं, अभी आर्ग्यूमेंट भी हमें पता नहीं है, तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फिर ब्रैकेट कर देते हैं, ओपन कर ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर ली ब्रैकेट। ओके, नीचे मेन फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन के अंदर मैं पहले क्लियर कर देता हूं स्क्रीन, CLR SCR फंक्शन से। उसके बाद दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, आप चाहो तो एक इंटीजर और एक डबल भी ले सकते हो, वो अभी मैं बता रहा हूं। फिर दो वैल्यू को एंटर कर देते हैं यूजर थ्रू, तो एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ताकि यूजर को समझ में आए कि अब हमें वैल्यू को एंटर करना है। मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ सी इन ए एंड बी। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यूजर थ्रू वैल्यू एंटर होगी ए एंड बी। अब ये वैल्यू हमें पास करनी है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन ऊपर बनाया है सम, उसके अंदर मैं ए कॉमा बी पास कर देता हूँ। तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे मैं कमेंट करके कॉलिंग लिख देता हूँ, यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और जो भी हमने पैरामीटर पास किए हैं इसको हम एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे। ये पैरामीटर अब यहाँ पे आएंगे फंक्शन के डेफिनेशन में, और यहाँ पे मैं इंटीजर एक्स बोलता हूँ इस टाइम पे और इंटीजर वाई बोलता हूँ। ओके, मीन्स ए की वैल्यू अब एक्स वेरिएबल में पास होगी और बी की वैल्यू वाई वेरिएबल के अंदर पास होगी, और ये फंक्शन की बॉडी के अंदर हम एक्स और वाई का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इंटीजर आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके अंदर हम सम कराएंगे और फिर वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। तो इंटीजर आंसर मैंने ले लिया, आंसर वेरिएबल के अंदर मैं एक्स प्लस वाई कराता हूँ, तो उसका एडिशन होके आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न आएगा और आंसर, ऐसे भी आप लिख सकते हो और पैरेंथेसिस के अंदर भी आप लिख सकते हो। अब आंसर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इसीलिए हमें यहाँ पे फंक्शन के आगे रिटर्न टाइप इंटीजर लिखना है। अगर मैं आंसर डबल ले लेता हूँ तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप डबल लिखना पड़ेगा। जो भी फंक्शन रिटर्न करता है उसका हमें डेटा टाइप चाहिए, तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है आंसर, और आंसर वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर, इसीलिए यहाँ पे सम के आगे मैंने इंटीजर लिखा। अब जो ये आंसर रिटर्न हो रहा है उसे हमें यहाँ पे कोई वेरिएबल में स्टोर करना है, तो इसको मैं यहाँ पे सी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे सी, तो सी ऊपर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, फंक्शन के अंदर ए और बी जो है वैल्यू वो हमने पास की इंटीजर एक्स के अंदर और इंटीजर वाई के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में एडिशन होगा, वो आंसर के अंदर स्टोर होगा और आंसर को ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आंसर आएगा, वो आंसर को हम सी वेरिएबल के अंदर असाइन कर देंगे और यहाँ सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो सी आउट का यूज करके हम आंसर प्रिंट करेंगे, आंसर या फिर सम भी आप लिख सकते हो, और सी वेरिएबल NGTCS लिख देते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे 20 वैल्यू एंटर करता हूँ, वो जाएगा वेरिएबल ए के अंदर, 40 वैल्यू एंटर करता हूँ, वो जाएगा वेरिएबल बी के अंदर,
और फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद ये वैल्यू एक्स और वाई में पास होगी। एक्स और वाई वेरिएबल वो फॉर्मल पैरामीटर है, वहाँ पे एक्स प्लस वाई परफॉर्म होगा, आंसर को रिटर्न कर देगा। तो आंसर रिटर्न होके सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और सी वेरिएबल की वैल्यू हमने ये स्टेटमेंट में प्रिंट करवाई है। ये तो मैंने फंक्शन ऊपर बनाया था, कॉल यहाँ से हो रहा है और फंक्शन हमने यहाँ से बनाया, ऊपर बनाया है। यही फंक्शन में अगर नीचे बना रहा हूँ, कॉल होता है उसके नीचे अगर मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ तो मुझे ऊपर प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मुझे प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा फंक्शन का, क्योंकि जो सम फंक्शन है वो कॉल यहाँ से हो रहा है और उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। प्रोटोटाइप कैसे लिखेंगे, तो इस बार यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन नेम सम है और आर्ग्यूमेंट जो फर्स्ट है उसका डेटा टाइप इंटीजर है और सेकंड आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप भी इंटीजर है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रोटोटाइप इंटीजर सम इंटीजर इंटीजर लिखना है। तो ये स्टेटमेंट है प्रोटोटाइप। अब हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। इस बार मैं 50 लेता हूँ, तो 50 वैल्यू वेरिएबल ए के अंदर असाइन होगी, और 60 लेते हैं चलो, तो 60 वैल्यू वेरिएबल बी के अंदर असाइन होगी। ए और बी पास होंगे और एक्स और वाई में असाइन होगा और वहाँ पे फंक्शन में एक्स प्लस वाई होगा और आंसर रिटर्न करके हमें प्रिंट करेगा।